देख रहे हैं वसई सत्ता हिंदी न्यूज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। वसई के लोकप्रिय बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार, गीतकार, संगीतकार, गायक प्रकाश पाटिल एक बार फिर से अपना नया गीत लेकर आए हैं, जिसका नाम है समिंद्रा अवरी खोली प्रेमाची। ये गीत कल यूट्यूब पर कुणाल म्यूजिक कंपनी द्वारा रिलीज किया जाएगा। इस गीत के बोल मैंने लिखे हैं, इस गीत का संगीत मैंने किया है। श्रुतिन और कल्याणी इस गीत के एक्टर एक्ट्रेस है, जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है इस एल्बम में। उनके कई एल्बम्स भी हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। मेरा पिछला एल्बम फरवरी में आया था, अभी कुणाल के साथ दूसरा एल्बम जो आ रहा है 25 जुलाई को, वो एक कोली गीत है, आपको काफ़ी पसंद आएगा ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। मेरे इस गीत के डायरेक्टर है सुरेश पितले, को डायरेक्टर रुपेश जाधव और कैमरामैन प्रतीक करण, ये टीम काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लगन से लोग काम करते हैं, इनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। इस एल्बम की दिलकश, खूबसूरत, टैलेंटेड कलाकार इस एल्बम से पहले भी कई एल्बम कर चुकी है, कल्याणी से हमने कई सवाल किए। कल्याणी जी, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। हाय, हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है कल्याणी, मैं एक एक्टर और मॉडल हूँ। क्या ये आपका पहला एल्बम है? जी नहीं, मैंने पहले भी काफ़ी एल्बम्स किए हुए हैं, स्पेशली कुणाल म्यूजिक अल्ट्रा मराठी के साथ मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, तो आप मेरे एल्बम्स यूट्यूब पे देख सकते हैं। क्या आपने एक्टिंग या डांस की ट्रेनिंग भी ली है? जी नहीं, मैंने ऐसी कोई खास ट्रेनिंग नहीं ली है। डांसिंग की बात करें तो मैं बचपन से डांस कर रही हूँ, आई एम अ बॉर्न डांसर, तो डांसिंग का तो मैंने कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं लिया है। और रही बात अभिनय की, तो एक्टिंग मैं एक्चुअली थिएटर करती थी कॉलेज टाइम में, मैंने थिएटर किया हुआ है, तो बस वहीं से एक्टिंग का मुझे शौक है और तभी से एक्टिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, बाकी मैंने एक स्पेशल ट्रेनिंग किसी चीज़ के लिए नहीं ली। एक्टिंग शौक है या प्रोफेशन? जी, एक्चुअली एक्टिंग मेरा शौक भी है और मेरा प्रोफेशन भी है। मैं पहले से ही एक्टिंग करना चाहती थी, इस इंडस्ट्री में आना चाहती थी, तो पहले मेरा शौक था और अभी मेरा प्रोफेशन भी एक्टिंग ही है। इस एल्बम में आपको चांस कैसे मिला? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कुणाल म्यूजिक के साथ काम कर चुकी हूँ, तो इस एल्बम के लिए भी मुझे वहीं से कॉल आया चैनल से कि आप फ्री हो तो एल्बम करना चाहोगी, तो इसलिए फिर मैंने ये भी एल्बम किया। इस गीत के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो गाने में समुंदर का जिक्र है और मुझे समुंदर के गाने पसंद आते हैं काफ़ी, क्योंकि मुझे समुंदर काफ़ी पसंद है, समुंदर के पास जाना, समुंदर को देखना मुझे काफ़ी पसंद है इसलिए। और इस गाने का जो अर्थ निकलता है, मतलब दोनों के प्यार की गहराई समुंदर की गहराई से तोला गया है उसे, तो उसमें जो फीलिंग है, वो गाने की जो फीलिंग है, उसका जो अर्थ निकलता है, वो बहुत ही गहरा है। सो इसलिए मुझे ये गाना काफ़ी पसंद आया और साथ ही में इसका म्यूज़िक अच्छा था, लिरिक्स अच्छे थे और सिंगर्स एंड ऑल, सब गाने को सबने एक अलग ही रूप दिया हुआ है, तो गाने, इसलिए मुझे गाना बहुत अच्छा लगा। ये गाना बहुत चलेगा, गाना सुनते ही आपके दिल को टच करता है, तो इसलिए मुझे ये गाना पसंद आया। श्रोतिन, अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मैं हूँ श्रोतिन, मैं एक एक्टर और डांस कोरियोग्राफर हूँ। अभी रिसेंटली फ़िलहाल तो मैं सेंट पीटर हाई स्कूल वीरार ईस्ट में एज ए डांस टीचर जॉब कर रहा हूँ और बाकी साइड बाय साइड मेरी शूटिंग रिलेटेड एक्टिविटी चालू ही रहती है। आपको इस एल्बम में चांस कैसे मिला? जी हाँ, इस गाने के जो डायरेक्टर है सुरेश पितले सर, उन्होंने मुझे इस गाने के लिए कास्ट किया। इस एल्बम से पहले आपका क्या अनुभव है? जी हाँ, मैं लाइक मुझे अभी इस फील्ड में 10 से 11 साल हो गया है। सो मेरे सर है जिनके पास मैंने मेरी डांस की शुरुआत की नाला सुपारा से, नीनाद सकपाल सर, और अभी तक मैं उनको असिस्ट भी करता हूँ। सो मेरा जो पहला ब्रेक था तो उनके पास से ही स्टार्ट हुआ था, मैं एज अ साइड डांसर्स करता था, तो सुरेश पितले सर का एक प्रोजेक्ट था यही कुणाल म्यूजिक का, जो मैंने 10 साल पहले किया था एज अ साइड डांसर में, और आज डायरेक्ट 10 साल बाद अभी फिर से उनके साथ मेरी मुलाकात हो गई। सो उन्होंने एक अच्छा ब्रेक दिया मुझे इस गाने में लीड करने का, गाना तो सुपर्ब है, सुपर्ब। जी हाँ, एक्टिंग
ये मेरा लाइफ है। जी हाँ, लाइक ऐसा नहीं है कि मैं शौक के लिए कर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा। एक्टिंग डांसिंग मेरे लिए लाइफ है, जो जब तक मैं जी रहा हूँ तब तक मैं उसको मेरे साथ आगे लेकर जाना चाहता हूँ। क्या आपने इससे पहले भी कोई कोहली गीत किया है? जी हाँ, मैंने पहले भी कोहली गीत सुने हैं। लाइक मैंने कोहली गीत में काम भी किया था। वेसवकर जो थे प्रॉपर, जिनके गाने थे वेसव चिपारू निसलीगो वगैरह, ये सब गाने थे, तो वो टीम के साथ भी मैंने ऑलरेडी काम कर चुका हूँ एज अ साइड डांसर में। बट ये जो गाने हैं ना, जो लाइक अपने मुँह पे आते रहते हैं, वैसे उची पार नसली, तो ये जो फील है ना ये सब गाने का, वही फील इस गाने के अंदर भी है। लाइक इसके वर्ड्स इतने खूब लिखे हैं, इतने अच्छे लिखे हैं प्रकाश सर ने, बहुत अच्छे लिखे हैं। लाइक सुनो ना कि मी पोर हाय कोल्याचा तूपन हाय कोली समिंदरावरी आपली प्रेमाची खोली, मतलब कितना सुंदर ऐसा प्रेजेंटेशन किया है इन्होंने उनके वर्ड्स का, कि इतने समुद्र के जितना घर है उतना हमारा प्यार है दोनों का। सो वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग। मैं तो अभी शूट करने के बाद तो कंटिन्यू मेरे मुंह पे वो गाना चालू ही था, तो मेरे को मेरे फ्रेंड्स भी पूछते थे कि क्या कौन सा गाना है, कौन सा गाना गा रहा है। तो मैंने उनको बोला समथिंग सरप्राइज है आप लोग के लिए, तो गाना तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सुरेश सर, मुझे आपने मुझे इस काबिल समझा, इस गाने के काबिल समझा और अच्छी अपॉर्चुनिटी दी आपने। थैंक यू सो मच प्रकाश सर, थैंक यू सो मच क्रोनाल म्यूजिक। टिकटॉक स्टार अब परेशान ना हो, क्योंकि जल्द आ रहा है आपके बीच फन और कॉमेडी का नया टिकटॉक फन चकाचक।